मेरे चैनल पर तो भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप की आई है ITI वाले उस स्टूडेंट के लिए, यानी हर काम देश के नाम, ये वैकेंसीज आई हुई है और आप लोग के लिए यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का पूरा वैकेंसीज की डिटेल जानकारी दिया गया है। इसका PDF अगर चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन आर द इनवैलिड फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेड BRD एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ से यहाँ पर निकाला गया है। और यहाँ पर इनिशियल क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग के लिए रहने वाला है, अगर आप लोग पास 12 मैट्रिक या 12 50% एग्रीगेट से पास है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ आप लोग ITI होना चाहिए, लेकिन NCBT वाले अप्लाई करेंगे, 65% आप लोग का होना चाहिए, उससे ज़्यादा यानी 65% से ज़्यादा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग का एज क्या होना चाहिए, तो जनरल के लिए 14 से लेकर 21 ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज आप लोग का OBC के लिए 14 से 24 और SC ST के लिए 14 से 26, और हाइट आप लोग का रहना चाहिए 137 सेंटीमीटर, और वेट आप लोग का 14.4 kg आप लोग का रहना चाहिए, यानी आप लोग का साढ़े चौबीस किलो आप लोग का रहना चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं रहना चाहिए, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया, जो आप लोग यहाँ पर देख लेना। स्टाफन आप लोग का जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, उसके आप लोग को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का ट्रेड कौन कौन वाले अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर टनर के लिए आप लोग का यहाँ पर दिया गया है 16 पोस्ट आप लोग का है। यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए है, मशीनिस्ट ग्रेंडर के लिए है, सीट मेटल के लिए, वर्कर के लिए, वेल्डर के लिए है, इलेक्ट्रिशियन, एयरक्राफ्ट के लिए है, कारपेंटर के लिए है, मैकेनिक्स के लिए, प्रिंटर जनरल के लिए है, डिस्क टॉप पब्लिश ऑपरेटर के लिए, पावर इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है, TIG के लिए भी है। ठीक है, क्वालिटी के लिए भी वैकेंसी है, और केमिकल लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज है, उससे हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ना, अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप ये सब में किए हो तो। यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट आप लोग का यहाँ पर 15 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। रिटर्न एग्ज़ाम की बात किया जाए तो विल बी द पोस्ट या आप लोग को ईमेल के थ्रू आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग को या तो कुरियर के माध्यम से या तो आप लोग को ईमेल के थ्रू आप लोग को मिल जाएगा कब आप लोग का होगा। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट यहाँ पर दिया गया है, कोर्स ऑफ ये सब दिया गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, यहाँ पर आप लोग का अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जाना है apprenticeshipindian.org पर आप लोग जाकर वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद आप लोग वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस आप लोग का सिंपल है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोग का दिया गया है, रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में ही बताया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। रिटर्न एग्ज़ाम विल बी द कंडक्ट बेस्ड ऑन द मैट्रिक मैथमेटिक्स जनरल साइंस एंड जनरल लैंग्वेज ऑफ हाई स्कूल स्टैंडर्ड का आप लोग का पूछा जाएगा, जो कि आप लोग का एक नॉर्मली रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मॉडरेट और उससे थोड़ा ज़्यादा, सब मेट्रिक लेवल का ही आपका आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोग देख लो और इसको आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम में। आई होप आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऑल इंडिया जॉब भी वैकेंसी आता है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।